अल्लाह वबरकत। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वेरी सेलेक्शन दो जरूर होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में बरकत दें, आपके खाने का जायका सलामत रखे, आपको तंदुरुस्ती और ईमान वाली ज़िंदगी दे, आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे इदारों को मजबूत करे और हमें अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ और अपने इदारों के साथ मुफलिस और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त। मेरे पास 1 किलो मटन है, 1 प्याज है, ये मेरे पास टमाटर है, ये लहसुन है, ये अदरक है। चलिए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज से हम इसको रफली काट लेंगे और टमाटर के भी हम दो दो तकरीबन पीस करेंगे। जो अदरक है वो मैंने काट के इसमें डाली है। ये दालचीनी के छोटे टुकड़े हैं मैंने किए हुए हैं, ये हाफ चम्मच दालचीनी है, हाफ चम्मच हल्दी, हाफ चम्मच सूख मिर्च है, हाफ चम्मच नमक, ये 2 बड़ी इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है। ये मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर बंद कर दिया है, 10 मिनट बाद हम इसको खोल देंगे। गोश्त मारा गल गया है, अब मैं इसको अलग से फ्राई करने लगी हूँ। ऑयल है फ्राई के लिए। गोश्त को मैं फ्राई करूँगी अलग से। मटन को मैं हल्का सा लदा से फ्राई करूंगी। मसाले को जो है वो मैं उसमें ब्लेंड कर लूंगी। बस 1/2 किलो आलू है, आलू जो मैंने मसाला ब्लेंड किया है मैं उसमें उनको भून लूंगी। और मटन को मैंने लदा से ऑयल में फ्राई कर लिया है। तकरीबन 3 चम्मच दही है, मैंने अलग से फ्राई है, मटन को मैंने अलग फ्राई किया है। गरम मसाला है इसमें तकरीबन 1 चम्मच, अदरक है, सब्ज मिर्च है, माशाल्लाह से विवाज हमारा मटन और आलू का सालन तैयार हो गया है। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है, बहुत टेस्टी बना है। मैंने दही ऐड किया था, मैंने गोश्त को पकाने के बाद मैंने इसको अलग से फ्राई किया है। आलू मैंने उसी मसाले में अलग पकाए हैं, बहुत मज़ेदार बना है। आप हमारी रेसिपी को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस डेंगू के मरज़ को, इस कोरोना के मरज़ को हमसे, हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से दूर कर दे। पानी को एहतियात से इस्तेमाल करें, पानी को ज़ाया मत करें, पानी को ढांक के रखें, गमलों से, फ्रिज के पीछे से, छतों से पानी की एहतियात करें। बहुत फैल चुका है मरज़, ये बेड हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, घरों में भी 4-4 5-5 पेशेंट है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।